I'm sharing the screen, so I think so. Screen is already shared with all of you. ओके सो आई एम शेयरिंग इट. और एक चीज और ध्यान रखिए, सेशन के दौरान आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग अपने अपने माइक को ऑफ रखें. माइक को ऑन रखने से जो बैकग्राउंड नॉइस होता है उससे आवाज डिस्ट्रैक्ट होता है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम उसी से डिस्ट्रैक्ट होता है. आप माइक ऑन तभी करें जब आपको मुझसे कोई सवाल करना हो या फिर कोई प्रॉब्लम सेशन के दौरान हो, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप माइक को ऑन रखें. अभी आप ऐसे सोचिए कि आपके सामने एक लाइव क्लास चल रही है, आप उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं. प्रॉब्लम होती है माइक को ऑन करें और मुझे पिंग करें. अगर माइक ऑन करने में कई बार हो जाता है कि माइक ऑन किया या आवाज मेरे पास नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, तो मैसेज बॉक्स है, आप मैसेज पे जाके टाइप कर दें तो मैं उसको भी देख लूंगा. मेरे पास मैसेज का जो नोटिफिकेशन होता है वो आ जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि आज मैं आपको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं एक्सेल में कोडिंग के थ्रू वीबीए में, वो बताने वाला हूँ. तो मेरे पास ये डाटा है, मुझे वीबीए का कोड करना है और ये डाटा यहाँ पर बी वाले कॉलम में पेस्ट करना है. कहीं पर भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ, जहां आप चाहते हो वहां पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ. तो मुझे वीबीए का कोडिंग करना पड़ेगा. तो वीबीए का कोडिंग कैसे करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट एफ 11, ऑल्ट एफ 11. जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास वीबीए का कोड एडिटर खुल जाएगा. अब आपको इंसर्ट पे जाना है, मॉड्यूल पे क्लिक करना है. अब आपको कोड लिखने के लिए विंडो आ जाएगी, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे. मैंने लिखा सब और यहाँ पर कोड का नाम लिख दिया कॉपी पेस्ट. ये मैंने एक मैक्रो बना लिया. अब यहाँ पर देखिए मैं कोड कैसे करूंगा, साइड में दो विंडो को एडजस्ट करूंगा. देखिए ऐसे एक विंडो मैंने यहाँ पर लगाया और ये एक्सेल का विंडो मैंने यहाँ पर लगाया और इस विंडो को मेरे को थोड़ा छोटा कर देना है ऐसे, डन. अब देखिए मैं कोड कैसे लिखूंगा कि यहाँ पर ये डाटा मुझे कॉपी करवाना हो, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस रेंज को उठाऊंगा जो ये रेंज है. तो यहाँ पर लिखूंगा रेंज, ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि रेंज क्या होता है. तो रेंज मुझे कहां से कहां तक उठाना है, A2 से A5. तो सीधा लिखा A2 से A5 ऐसे. अब मुझे क्या करना है, इस रेंज को कॉपी करना है. आप इसे कॉपी कर दीजिए, बस इतना कोड लिखिए, ये डाटा आपका कॉपी हो गया. अब ये डाटा कॉपी होने के बाद इसी शीट में कहां पेस्ट करना है वो रेंज आप पिक कीजिए. मान लीजिए ये डाटा मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे, पेस्ट करना है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पेस्ट होना चाहिए डाटा. तो ये वाला यहाँ पर पॉइंटर रख के आपको पेस्ट करना है. तो इसका रेंज क्या है वो यहाँ बताइए आप. तो इसका रेंज है C6. तो मैंने लिखा C6 और मैंने यहाँ पे लिख दिया पेस्ट. जब आपको डाटा पेस्ट करना होता है तो ये लिखना होता है पेस्ट स्पेशल. तो ये डाटा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा. अब आपको एक काम और करना है, जो डाटा आपने कॉपी किया था उसको वहां से फॉल्स करना है, यानी जो कॉपी मोड होता है वो आपको वहां से हटाना पड़ेगा. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डाटा ऑलरेडी कॉपी रहेगा. तो ये कॉपी मोड में यहाँ से हटाऊंगा. तो कॉपी का मोड हटाने के लिए आप लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड फॉल्स. इसको आप लोग फॉल्स कर देंगे, बस इतना कोड करना है. आपका डाटा कॉपी हो जाता है सेम शीट पे, कितना भी डाटा आप कॉपी करना चाहें कर सकते हैं. अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको रन करके बताऊंगा. स्टेप बाय स्टेप रन करने के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की होती है F8, फंक्शनल की F8. आई अगेन रिपीट, F8. तो F8 में प्रेस करूंगा, देखिए एक एक करके लाइन चलेगी. तो अब ये इस लाइन के अंदर आया, देखिए डाटा कॉपी हो जाएगा. देखो डाटा कॉपी हो गया, आप इसके चारों तरफ ये जो डांसिंग सर्कल है ये देख सकते हैं. तो इसने इस डाटा को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया है. अब डाटा को कॉपी करने के बाद ये देखिए उसको पेस्ट करने के लिए जाएगा लोकेशन पे. मैं फिर से F8 दबाता हूँ, अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी. ये देखिए उसने उस डाटा को यहाँ पेस्ट कर दिया. डाटा को पेस्ट करने के बाद ये देखिए अभी भी डाटा ये आपका सिलेक्टेड है. इस सिलेक्टेड डाटा को मैं यहाँ से फॉल्स करूंगा, ये अगली लाइन इसको फॉल्स कर देगी. ये देखिए मैंने दबाया F8 और ये डाटा आपका यहाँ से फॉल्स हो गया, ये F8, डन. तो ये आपका मैक्रो यहाँ पर फिनिश हो जाता है. अब मुझे एक बार कंफर्म करें, क्या आप लोग डाटा कॉपी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसा भी डाटा हो. ओके अब हम बढ़ते हैं अगली शीट पे. मान लीजिए ये डाटा है और इस डाटा को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, इस वाली शीट में नहीं करना चाहता जिसका नाम है शीट 1. मैं चाहता हूँ ये अगली शीट में कॉपी हो. तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी दूसरी शीट में डाटा को कॉपी कैसे करते हैं. अब आप इसके लिए एक और मैक्रो बनाए, इंसर्ट मैक्रो. अब मैक्रो बनाएंगे, मैंने लिखा सब और यहाँ पर लिखा कॉपी पेस्ट डिफरेंट शीट, किसी दूसरी शीट में कॉपी पेस्ट करना है. देखिए मैंने मैक्रो का नाम लिख दिया, कितना भी बड़ा हुआ नाम आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहां पर मुझे जो डाटा कॉपी करना है उस शीट का नाम देखिए क्या है, इस शीट का नाम है शीट 1 और शीट 1 से डाटा उठाना है मुझे. तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉपर रेफरेंस दूंगा. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, शीट का नाम दैट इज शीट 1. उसके बाद रेंज बताऊंगा कि इस शीट की किस रेंज को कॉपी करना है, वो है A2 से A5. फिर लिखूंगा कॉपी, ये देखिए आपका डाटा हो जाएगा कॉपी. अब डाटा कॉपी होने के बाद कोड को दिखाने के लिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं.
ये शायद आपको अब कोड दिख रहा होगा। तो ये डाटा मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब इस डाटा को पेस्ट कहाँ करना है, शीट टू पे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, शीट का नाम, शीट टू डॉट रेंज। कहां पर कॉपी करना है आप डिसाइड करें। जैसे कि शीट टू है और मुझे डाटा चलो यहां पे कॉपी करना है, तो रेंज क्या हो गई, B5। तो आप यहां पर लिखेंगे B5, जहां पर भी कॉपी करना हो। और यहां पर आप लगाएंगे पेस्ट स्पेशल, स्पेलिंग का गड़बड़ मत करना, पेस्ट PSTE पेस्ट SPECIAL पेस्ट स्पेशल आपको ये लिखना है। उसके बाद जो कट कॉपी मोड था उसको फॉल्स करना है, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड ये आप कर दीजिए फॉल्स। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, कोई गड़बड़ मत करना, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, आप में से कोई कुछ कहना चाहता था? ओके, अब मैं इसे रन करने जा रहा हूं। हाँ, वो एप्लीकेशन का स्पेलिंग, एप्लीकेशन का स्पेलिंग तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। आवाज समझ नहीं पा रहा हूं, आप बोलिए एक बार क्या कहना चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं, कोई इश्यू नहीं है, धीरे धीरे करता हूं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं अगर समझ नहीं आया है तो। देखो, आपको मैंने पहला लिंक सेंड किया था उमेश सर, आपने शायद वो वीडियो पहला देखा होगा, ठीक है ना। तो जो चीज हम पढ़ चुके होते हैं उसको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन नहीं करता हूं। तो ये पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि रेफरेंस कैसे उठाते हैं, तो इसको धीरे धीरे पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। गॉट इट? कोई भी नई चीज आएगी आप खुद देखना, मैं उसको धीरे से बताऊंगा। लेकिन रेफरेंस कैसे उठाते हैं, मैंने अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले बोला कि हम रेफरेंस उठाना ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो सिर्फ इसमें दो चीज नई ऐड हुई है, कॉपी और पेस्ट, और कोई ऐड नहीं हुआ है। हमें सिर्फ रेफरेंस उठाना है, रेंज देना है। वॉइस में एक प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को वॉइस क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। बस मेरे को इतना समझ में आया कि मैं, आपका सवाल था कि सर थोड़ा फास्ट चल रहा है स्लो कीजिए, तो उसका मैंने क्रॉस आंसर आपको दिया कि मैंने फास्ट सिर्फ उसी चीज को लिखा है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेफरेंस कैसे उठाते हैं, तो इसको मुझे धीरे धीरे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको तेज लिखा। ओके, एप्लीकेशन जो मैंने लास्ट में लिखा है वो इसलिए लिखा है, जब आप किसी डाटा को कॉपी करते हैं, जरा यहां देखना, जब आप किसी डाटा को कॉपी करते हैं, देखिए मैंने कॉपी किया तो ये डाटा सिलेक्टेड हो जाता है। अब मैं इसको कभी कहीं पर पेस्ट करूंगा तो ये डाटा सिलेक्टेड ही रहता है। देखो, ये डाटा सिलेक्टेड है, ये हटा नहीं है, मुझे ये डाटा हटाना पड़ेगा। तो इस डाटा को यहां से हटाने के लिए हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करते हैं, अब ये डाटा हट जाता है, इसीलिए मैंने एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड को फॉल्स कर दिया। इससे क्या होगा कि मेरी एप्लीकेशन में कोई भी डाटा जो कट या कॉपी होगा वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, इसके लिए हम ये लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको ये जल्दी से करके दिखा देता हूं। तो एक बटन में सारा कोड रन करना है, तो यहां से ये बटन प्रेस कर दीजिए, ये एक ही बार में सारे के सारे कोड को रन कर देगा। अगर आप कोड को स्टेप स्टेप करके रन करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F8, या फिर यहां पर आपको ये बटन दिखेगा स्टेप इनटू, एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट करता है। ये देखो, ये कॉपी हुआ, ये दूसरी शीट में पेस्ट हो गया, और ये मोड यहां से फॉल्स हो गया। अब आप दूसरी शीट पे जाओ, आपको वहां पर डाटा दिख जाएगा, देखो ये कॉपी होता हुआ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैसे कॉपी हुआ, ठीक है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमने अपने 10 मिनट के लेक्चर में एक्चुअली पढ़ा क्या है, कुछ भी नहीं, ये बहुत छोटी सी चीज थी, सिर्फ कॉपी लगाना था, पेस्ट लगाना था, कुछ भी नहीं था। बाकी की जो चीज है ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी शीट का रेफरेंस कैसे लेते हैं। इसलिए ध्यान रखो, जब आप कोई सेशन पढ़ते हो पहला, तो जब दूसरा सेशन चलेगा तो वो पहले सेशन पर डिपेंड होता है, जब दूसरा सेशन चलेगा तो पहले पर डिपेंड होगा, जब तीसरा चलेगा तो दूसरे पर डिपेंड होगा। जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा, कोड आपका 3 लाइनों का नहीं रहेगा, कोड आपका बड़ा होता चला जाएगा। अगर हम उस कोड को फिर से धीरे धीरे करते रहे, फिर से मैं आपको बताऊं हर क्लास में कि दिस वर्कबुक का मतलब क्या होता है, शीट का मतलब क्या होता है, तो फिर हमारी क्लास का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि ट्रेनिंग जब हम ले रहे हैं तो कैसे लेना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। उन्हीं को प्रॉब्लम आएगा जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, यानी जिन्होंने क्लास नहीं लिया है,
इसलिए हर क्लास को अटेंड करें और उसी चीज को मैं एलोबरेट करूंगा जो पहली बार आप पढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज आप पहले पढ़ चुके हैं तो उसको मैं जल्दी टाइप करूंगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें प्लीज, ठीक है। बिकॉज आप सभी बड़े हैं, बच्चे नहीं है, छोटे बच्चों को हम बताते हैं कि दोबारा दोबारा तीसरी बार भी पूछेंगे तो बता देंगे लाइक दिस वे। अब मान लीजिए मैं कल को अगर आपको दोबारा से कोई कोड करके दिखाता हूं, ऐसे देखिए, अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर हमें ऐसे बताएंगे, देखिए मैंने कोड लिखा कोड 3, मैं कोई कोड लिख रहा हूं और मैं आपको कोड बता रहा हूं कि मुझे इस सेल में एक नाम लिखना है, तो अगर आप सोच रहे मैं ऐसे बताऊंगा, देखो ये शीट है, ये शीट का नाम है, तो यहां पर जाने के लिए मेरे को पहले लिखना पड़ेगा दिस वर्क बुक। ये मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, जो चीज बताई जा चुकी है उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई थिंक आप समझ गए मेरी बातें। ठीक है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, बच्चों की तरह मत पढ़िए, बड़े हो आप, मैच्योर हो, मैच्योरिटी के साथ पढ़िए प्लीज। रिक्वेस्ट आप लोगों से कर सकता हूँ, ऑर्डर तो नहीं कर सकता, ये चीज समझिए। कोई नई चीज होगी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, कोई चीज जो मैं बता चुका हूँ उसको आप अगर सोच रहे हो एक्सपेक्टेशन के साथ कि बिल्कुल आराम आराम से फिर से समझाए, तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, फिर कोई मोटिव नहीं रहता स्टडी का, फिर आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हो, फिर तो आप वो चीज दोबारा से पढ़ना चाह रहे हो, फिर बेकार हो जाएगा केस हमारा। तो चलिए, कट कॉपी पेस्ट हमने देखा कैसे होता है, अब हम इसमें अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा फॉन्ट के बारे में बताऊंगा, फॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे कि फॉन्ट पे आप लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फॉन्ट से रिलेटेड, तो मैं एक मॉड्यूल यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट करके लिखता हूँ फॉन्ट प्रॉपर्टीज। अब देखिए फॉन्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये डेटा है मेरे पास, ये एक फॉन्ट है, इसमें जो भी आपने लिखा है, अब मैं इस फॉन्ट के साथ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। आपने होम टैब में देखा होगा ये फॉन्ट ग्रुप होता है और हम इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज, ये सब कुछ करते हैं। अब ये सब कुछ मुझे प्रॉपर्टी से करना है अपनी, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप मैक्रो को रिकॉर्ड करते हो तो फॉन्ट के लिए करते हो, उसकी डेकोरेशन के लिए करते हो, और मैक्रो को एक बार आपने अगर रिकॉर्ड कर दिया और उसके बाद मैक्रो में कभी आपको बदलाव या चेंजेस करना पड़ा तो आपको वीबी का कोड नहीं आता, तो आप मैक्रो को एडिट नहीं कर सकते, तो इसलिए इस वाले प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से समझिए। तो देखिए मैं एक मैक्रो बनाता हूँ सब, और यहाँ लिखता हूँ फॉन्ट प्रोग्राम, ऐसे कर देता हूँ। अब मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ पूरा का पूरा, चारों के चारों से, तो इसको सिलेक्ट कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा रेंज, रेंज हो जाएगी हमारी A2 से लेकर A5। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा फॉन्ट। अब फॉन्ट में कौन सी प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी है, जैसे फॉन्ट में मुझे कलर चेंज करना है तो मैं लिखूंगा कलर। अब कलर कौन सा डालना है, तो कलर जब आप यहां पर डालते हैं तो कलर कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूं। फॉन्ट पर जाइए, कलर पे जाइए, मोर कलर पे जाइए यहां से, और यहां पर आपको मिलेगा कस्टम, कस्टम में आपको आरजीबी मिलेगा। अब देखिए यहां से कलर बनाते हैं, कोई भी कलर आपको चाहिए फॉन्ट का ऐसे, और ये एक पैटर्न बनता है ऐसे, देखिए लाइट टू डार्क। अब मुझे फॉन्ट का ये कलर बनाना है तो इसका एक कोड आ गया, देखो यहां पर 207127, ये कोड आपको यहाँ उतारना होता है यहाँ पर, ठीक है, कोड को याद रखिए 207127 39, तो ये कोड मैं यहाँ उतारूंगा, आरजीबी लिखना है 207127 39, ऐसे बनते हैं कलर। अब आप एंटर कर दीजिए, आपका ये फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। चलो मैं रन करके दिखाता हूँ, ये मैंने कोड को लिया, एग्जीक्यूट किया, फॉन्ट का कलर चेंज हो गया, दिख रहा है किसी को चेंज होता हुआ, या ब्लैक ही दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा चेंज हुआ है बट आप लोग नहीं देख पा रहे, मैं कलर का नंबर थोड़ा चेंज कर देता हूं, शायद कोई फर्क आपको दिखे। 139 किया मैंने, फिर से रन किया, देखो चेंज हुआ कलर, देखो ठीक है, वो मिलता जुलता ब्लैक से था इसलिए दिख नहीं रहा था मैंने, देखिए फिर से कलर को थोड़ा नंबर चेंज किया, फिर से दिखाता हूं, कलर चेंज हुआ, देखिए इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, कलर चेंज हो जाएगा, ओके okay. अब हम देखते हैं इसको बोल्ड कैसे करते हैं। बोल्ड करने के लिए मैंने लिखा रेंज A2 to A5, और मैं इसे बोल्ड करने जा रहा हूं, तो यहां पर लिखूंगा फॉन्ट डॉल्ट बोल्ड, और इसको आप कर दीजिए ट्रू, पीछे से माइक होने प्लीज बंद कीजिए, ओके okay. अब मैंने ट्रू कर दिया, अब देखिए बोल्ड भी हो जाएगा, मैं फिर से रन करता हूं, ये देखिए बोल्ड हो गया लाइक दिस वे। अब इसको करते हैं अंडरलाइन, रेंज A2 to A5, फॉन्ट डॉट अंडरलाइन, और इसको भी मैंने कर दिया ट्रू। अब देखिए ये अंडरलाइन भी होगा, ये देखिए हो गया।
अच्छा अब इसको इटैलिक करते हैं, रेंज A2 टू A5 फॉन्ट इटैलिक, इसको मैंने कर दिया ट्रू। अब ये इटैलिक भी होगा, देखिए ये इटैलिक भी हो गया। चलो इसका साइज चेंज करते हैं, रेंज A2 टू A5। हाँ जी बोलिए सर। अगर आप किसी और शीट में करवाना चाहते हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, दिस वर्कबुक डॉट शीट। हाँ अदरवाइज ये एक्टिव शीट में होगा। बिल्कुल 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 सही जा रहे हो आप। अब देखिए मैं शीट टू पे हूं जैसे, और ये डाटा उठाकर मैं यहां पर डाल देता हूं, तो ये इस पर काम करेगा। देखिए मैं रन करता हूं, उठाओ, इनवैलिड यूज ऑफ प्रॉपर्टी रेंज, ये प्रॉपर्टी पूरी कर लो, या तो इसको हटा देता हूं मैं भी, आधा रह गया था रेंज वाला कोड, ये रन कर दो, ये देखिए हो गया परफॉर्म, ठीक है ना। ये रेंज मतलब डायरेक्ट, अगर मैं इसी शीट पे काम कर रहा हूं तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, अदरवाइज रेफरेंस पूरा देना होता है। आपने देखा था ना जब मैंने दूसरी शीट पे डाटा को कॉपी किया था, तो मैंने उसका पूरा रेफरेंस दिया था। हाँ पूरा देना पड़ता है रेफरेंस, तभी वो समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। अदरवाइज शीट को एक्टिव करवा कर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसका साइज चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, दैट इज कॉल्ड साइज। और कितना भी साइज आप दे दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। चलो 32 देकर देखते हैं कितना बड़ा हो जाता है ये फॉन्ट। ये बड़ा हो गया, ये बहुत बेकार लग रहा है अब इतना बड़ा, 22 कर देते हैं, नाउ मच बेटर, ठीक है पहले से। अच्छा इसकी लैंग्वेज चेंज करते हैं, तो मैंने लिखा रेंज A2 टू A5, और यहाँ लिखा फॉन्ट, और उसके बाद यहाँ लिखा नेम, फॉन्ट का नाम मैं डाल दिया एरियल। अब देखते हैं कुछ चेंज होता है कि नहीं होता। देखिए एरियल लैंग्वेज में बदल गया, कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ डालेंगे वो उसमें चेंज हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सभी को फॉन्ट की प्रॉपर्टीज? ओके अब बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लीजिए। यहां लिखेंगे आप रेंज A2 टू A5, उसके बाद आप लिखेंगे इंटीरियर और कलर, जो भी कलर आप बैकग्राउंड में देना चाहते हैं। अब RGB कलर बना लीजिएगा, वैसे गिने चुने कलर भी होते हैं, मैं लिख देता हूँ VB ग्रीन, तो ऐसे ग्रीन कलर आ जाएगा। ऐसे आप दे सकते हैं VB रेड, VB ग्रीन, VB ब्लैक, VB व्हाइट, VB मर्चेंटा, तो ये 8 कलर होते हैं ऐसे, 8 से ज्यादा नहीं। अगर आपको अपनी तरफ से कोई कलर बनाना है तो RGB में जाके दे सकते हैं आप। ये देखिए कलर आ गया बैकग्राउंड का ग्रीन, ये देखिए, ठीक है। कलर देने का एक और तरीका होता है, देखो रेंज A2 टू A5 इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स, इसमें आप 56 कलर दे सकते हैं, 1 से लेकर 56 तक का नंबर डाल सकते हैं, तो कलर की रेंज आपकी बड़ी हो गई। अब कलर लगाते हैं तो इस तरह से आप 8 कलर दे सकते हैं, लेकिन कलर इंडेक्स लगा के 56 नंबर तक के कलर दे सकते हैं। तो मैंने लिखा 43, तो 43 पे जो भी कलर होगा वो आपको दिख जाएगा। लाइक दिस वे कलर चेंज होगा, 44 करो तो फिर चेंज होगा कलर, ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप ले सकते हैं कलर अपने अलग अलग, 56 तक के। हाँ 56 टाइप के अलग अलग कलर होंगे, वो बहुत हो जाते हैं हमारे लिए, या फिर अपना खुद का कलर बनाना है, तीनों तरीके हैं हमारे पास। अगर हमें खुद का कलर बनाना है तो RGB से बना लीजिए, अगर आपको कलर इंडेक्स से कलर उठाना है तो कईयों को कलर इंडेक्स जैसे रेड बनाना होता है और किसी को कलर इंडेक्स में रेड का नंबर पता है, तो वो ऐसे क्यों बनाएगा RGB से, टाइम क्यों लगाएगा, तो वो कलर इंडेक्स डाल देगा, उसको नंबर याद होता है तो नंबर डालेगा, जल्दी कोड हो जाएगा। ये 10 तक का कलर नंबर याद कर लो, लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगा, कलर इंडेक्स नंबर लिस्ट डालोगे 56 नंबर की लिस्ट आ जाएगी, इस पर ये कलर होता है, कलर का नाम भी आएगा बकायदा, कोड भी आ जाएगा ऐसे, ये डालने से मिल जाएगा आपको। 56 कलर होते हैं, 56 से ज्यादा नहीं होते हैं। अब एक बार बस मुझे यहां तक ग्रीन सिग्नल दीजिए कि फॉन्ट समझ में आ गया। ओके अब ये पूरा शीट देखिए, मैं नोट्स यहां पर अलग से टाइप नहीं कर रहा हूं, जब क्लास हमारा ओवर होगा तो ये पूरी वर्कबुक मैं आपको भेज दूंगा, आप इसमें मॉड्यूल खोल खोल के ऐसे कोड को ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये पूरे कोड इसमें लिखे हुए हैं, आप इनको ट्राई कर लेना, अलग अलग शीट में कोड है। अब मैं आपको ब्लॉक कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा ब्लॉक कैसे बनाते हैं, अब जरा उसे देखिए। हाँ जी
अच्छा, ओके ओके, मैं कमेंट करके यहाँ लिख देता हूँ, ये गुड गुड सजेशन। देयर आर 56 कलर इंडेक्स नंबर। हाँ ये अच्छा सुझाव है। ये चीजें ऐसा हो सकता है जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, अगर मैंने कुछ बोल दिया समथिंग लाइक, और अगर मैं उसे नोट नहीं करता हूँ, या तो आप मुझे कहते हैं कि मैं उसे नोट कर दूं, या फिर आप लोग एक नोटबुक निकाल के रखते हैं, जब पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो नोटबुक एक निकाल कर रखते हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को वो नोट कर लेते हैं। और ना आप सोचिए, टीचर अगर बता रहा है उनको, वो कब तक नोट करेगा, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें कोड भी लिखना है, हमें समझाना भी है, हमें एग्जीक्यूट भी करना है, तो कई बार हम नहीं लिख पाते हैं कई चीजों को। तो आप एक पेपर पेन निकाल के इन चीजों को जरूर नोट करें, ये काम की चीजें होती हैं। तो देयर आर 8 VB कलर, तो ये 8 VB कलर होते हैं, VB ग्रीन, VB रेड, VB व्हाइट, VB मर्चेंटा, VB ब्लैक, ऐसे 8 होते हैं, 8 से ज्यादा नहीं होते, सर्च करोगे मिलेगा आपको, ठीक है ना, लाइक दिस वे। चलिए अब मैं आपको इसका कलर ब्लॉक कैसे पे कैसे काम करते हैं वो बताता हूँ, हाउ टू वर्क ऑन अ ब्लॉक। देखिए ब्लॉक कैसे बनते हैं वीबीए में, वो एक बार देखिए आप। तो मैंने लिखा सब, इसका पहले फॉर्मेट जो है वो हटा देता हूं मैं, तो Alt+HEF फॉर्मेट मैंने हटा दिया इसका। फॉर्मेट हटाने की शॉर्टकट की होती है Alt+HEF, Alt+HEF, तो जो भी कलर फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट होता है किसी भी सेल में, किसी भी डाटा में, तुरंत हट जाता है ये दबाते ही। अब मैं यहां पर एक मैक्रो बनाने जा रहा हूं ब्लॉक के लिए, सब, और यहां लिखा मैंने ब्लॉक मैक्रो। मैक्रो में ब्लॉक कैसे बनते हैं, देखिए ब्लॉक बनाने से हमें क्या फायदा होता है वो ध्यान दीजिएगा आप। अभी एक चीज जो नोटिस करनी है वो क्या करनी है, मुझे फॉन्ट पे काम करना था, तो मुझे बार बार रेंज 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 करके लिखना पड़ा, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। तो एक काम करेंगे, हम एक ब्लॉक बना लेंगे, इसका ब्लॉक कुछ इस तरीके से बनेगा। आप यहां पर लिखेंगे विद, और ये जो वैल्यू है जो आप बार बार यूज कर रहे थे, ये वाली वैल्यू इसको उठा लें, यहां पर लगा दें, उसके बाद आपको इसे बंद कर देना है ऐसे विद। अब देखिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इतना सारा कोड मैंने लिखा। अब मान लीजिए मुझे इस रेंज के फॉन्ट पे इसको बोल्ड करना है, मान लीजिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा बोल्ड, देखिए कितना छोटा हो गया कोड। अगर मुझे ये अंडरलाइन करना है तो मैं सीधा लिखूंगा अंडरलाइन, देखिए कितना आसान हो रहा है कोड। अगर मुझे इसका साइज चेंज करना है तो मैं सीधा लिखूंगा साइज, तो ये साइज बदल देगा। इसका कलर चेंज करना है, सीधा लिखूंगा कलर, कोई भी कलर मैं इसको दे सकता हूँ। आई थिंक आप समझ रहे होंगे ब्लॉक कैसे काम करता है। तो मुझे ये वैल्यू बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी इसके साथ, इसको बोलते हैं ब्लॉक बनाना। और जब आपने कभी मैक्रो रिकॉर्ड किए होंगे तो ऐसे ब्लॉक आपने वहां देखे होंगे, अगर किसी ने मैक्रो रिकॉर्ड किया है कभी, और मैक्रो का कोड अगर आपने ध्यान से देखा हो कोडिंग में जाके, तो इस तरह के ब्लॉक वहां पर बनते हुए देखे होंगे आपने। तो वो बार बार अपनी प्रॉपर्टी के आगे ये रेंज नहीं लिखते हैं कोड, तो इससे आपका कोड छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर रेंज पे ही काम करना है, तो मैं इस पर्टिकुलर रेंज को बार बार नहीं लिखूंगा। अगर आप रेंज पे अलग अलग प्रॉपर्टी पे काम करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट भी मत लगाइए, हटा दीजिए फॉन्ट। मुझे मान लीजिए इसके फॉन्ट पे काम करना है, कभी इंटीरियर पे काम करना है, तो मैं खुद से करूंगा, तो मुझे तो इसके फॉन्ट पे ही काम करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ फॉन्ट लगा दिया और फॉन्ट की सभी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने लगा। अब एक एक करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, स्टेप इनटू करके देखिए। ये रेंज पे जाएगा, पहले तो इसको बोल्ड मारेगा, देखो बोल्ड हो गया, फिर अंडरलाइन करेगा, फिर साइज बड़ा करेगा, फिर कलर बदल देगा। एवरीथिंग इज रनिंग, सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर आप इन चीजों को वापस करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे इसका अंडरलाइन हटाना है, तो आप इसी अंडरलाइन को फिर से फॉल्स कर दीजिए, मुझे इसके बोल्ड को भी हटाना है तो आप इसको फिर से फॉल्स कर दीजिए। एक बार मैं आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ, Alt+HEF। तो पहले तो मैं इसका ये कलर फॉर्मेट हटाता हूँ, ये हट गया। अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, ये स्टेप इनटू किया, तो ये हुआ बोल्ड, अंडरलाइन, साइज बड़ा हुआ, कलर बदला, अंडरलाइन हट गया, बोल्ड हट गया। अगर ऐसे ही आप इसके साइज को कम करते, साइज भी हट जाता। यहां तक समझ आ रहा है, ब्लॉक समझ आ गया, बाकी कर सकते हैं आप, प्लीज कंफर्म करें ब्लॉक समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब एक बार मैं कोर्स कंटेंट की तरफ जाऊंगा, होल्ड कीजिएगा, समझने इसमें हो क्या रहा है। मैं एक्सेल की विंडो साइड में खोलता हूँ, ये वाली, इसने देखो सबसे पहले इस बॉर्डर को डबल किया,
फिर इसने इस बॉर्डर को कंटिन्यूअस किया, फिर उसके बाद वो अब देखिए इस बॉर्डर का कलर बदलेगा, देखिए बॉर्डर का कलर बदला, अब इसका साइज बदलेगा, देखिए साइज बदला, वेट 2 हो गया ना, साइज चेंज हो गया। अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो साइज और बड़ा हो जाएगा। अब यहां पर डॉट ने हमारा काम नहीं किया, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमिट कर देता हूं। डैश की स्पेलिंग में गड़बड़ होगी, एक्सएल लिखा जाता है, मैंने एक्स लिखा जिसकी वजह से काम नहीं किया, तो प्रॉपर्टी गड़बड़ थी। अब मैं इसको काम करवाऊंगा, अब ये काम करेंगे, एक बार फिर से रन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। इसको मैं क्लोज करता हूं, इसके ऊपर जो फॉर्मेट लगा था वो हटा देता हूं, ऑल्ट एच ई एफ। पीछे से माइक बंद रखें अपना, सभी शोर आ रहा है पीछे से, माइक ऑन रहेगा डिस्टर्बेंस होगी, कनेक्शन उड़ जाएगा, स्क्रीन पॉज हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, नेटवर्क इश्यू हो जाएगा। माइक को क्लोज रखें, बस ये ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए मैं इसको एक एक करके स्टेप बाइज रन करता हूं। स्टेप इनटू पे गए तो सबसे पहले एक बॉर्डर लगेगा डॉटेड टाइप का, ध्यान से देखना, लगेगा पक्का लगेगा। बाहर क्लिक करता हूं पहले यहां पर, अब देखिए ये देखिए डॉटेड टाइप का एक बॉर्डर आ चुका, अगर किसी को दिख रहा हो तो ध्यान से। अब मैं इसको फिर से स्टेप इनटू करता हूं, अब इसने मेरे को डैश टाइप का बॉर्डर दिया है, डॉटेड और डैश थोड़ा ही फर्क है। अब मैं फिर क्लिक करता हूं, अब एक डबल बॉर्डर आ गया है। अब मैं फिर से क्लिक करता हूं, अब एक लाइन का बॉर्डर आ गया, सिंपल एक लाइन आ गई है। अब फिर से क्लिक करते हैं, कलर चेंज हो चुका है, फिर से क्लिक करते हैं, बॉर्डर का साइज जो है, थिकनेस जो है वो 2 पॉइंट की हो जाएगी, बहुत छोटा साइज हो गया, देखिए पॉइंट बिल्कुल 2 पे आ गया है वो। अब मेरे को कंफर्म करें माइक ऑन करके कि बॉर्डर प्रॉपर्टी क्लियर है, लगा लोगे आप लोग? कोई डाउट यहां पे कुछ पूछना हो? हाँ जी, डैश के नीचे लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसके नीचे फिर डबल कर रखा होगा तो हर बॉर्डर डैश की जगह डबल आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बॉर्डर की प्रॉपर्टी पे काम करना। अब हम इसके ऊपर अलाइनमेंट पे काम करना सीखेंगे कि कैसे किसी डाटा को अलाइन करते हैं। अब मैं आपको पहले अलाइनमेंट दिखा देता हूं आप कैसे करते हो। जैसे ये सेल होता है तो इसके अलाइनमेंट हम यहां से करते हैं, इस शीट को थोड़ा बड़ा करता हूं। तो मैनुअली जब अलाइनमेंट करते हैं तो यहां से होती है, देखिए दो अलाइनमेंट होती है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, टॉप मिडल बॉटम ऐसे करते हैं हम, ऐसे एक होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट राइट सेंटर करते हैं ऐसे। तो ये अलाइनमेंट हम वीबी के कोड से सीखेंगे कैसे करना है, लाइक दिस वे, ये अलाइनमेंट आखिर होती कैसे है। ओके, तो अब देखिए कोडिंग में क्या करना है आपको चेंजेस। ओके, तो यहां पर अगला कोड हम खोलेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल, और ये कोड होगा हमारा अलाइनमेंट, और दोनों अलाइनमेंट इसमें हम करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक मैक्रो बना लीजिए सब, और यहां लिख दीजिए अलाइन। अब यहां अलाइनमेंट में इस सेल के ऊपर करूंगा, इनके ऊपर नहीं, सिर्फ इसके ऊपर मैं करने जा रहा हूं। तो मुझे इसके ऊपर अगर अलाइनमेंट करनी है तो ये रेंज मुझे बार बार सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इसे छुटकारा पाऊंगा मैं ब्लॉक बना के विद रेंज, और यहां लिखूंगा A2। अब मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा, मुझे बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए ब्लॉक सीखते हैं। अब मैं इसके ऊपर अलाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, थोड़ा गैप दे दीजिए, पता रहे कोड हमारा यहां पर है। अब मैं इसमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मान लीजिए मुझे इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है, तो मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और इसकी प्रॉपर्टी दूंगा एक्सेल राइट, अगर राइट साइड करना है तो एक्सेल राइट। फिर से मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी को करना है लाइक लेफ्ट, तो मैं लिखूंगा एक्सेल लेफ्ट। अब एक काम करता हूं, मुझे बार बार जब हॉरिजॉन्टल लिखना ही है तो क्यों ना इसको ब्लॉक में डाल दूं, और काम आसान हो जाएगा। तो डॉट करके मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसलिए ब्लॉक आता है, देखो काम बार बार लिखने से बचाता है आपको। अब मैं इसमें लिखूंगा क्या करना था, मुझे इसकी प्रॉपर्टी देनी थी, अब ये प्रॉपर्टी यहां देनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये लास्ट ही वैल्यू है, तो नीचे ही आएगा, ऊपर तो काम नहीं करेगा, फिर वैल्यू कैसे देंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी थी इसलिए इसको तो यहां ही यूज करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो मैंने यहां पर इसकी वैल्यू दे दी समथिंग लाइक एक्सेल राइट, हाँ अगर इसके बाद कोई और प्रॉपर्टी आती तो वो ऊपर मेरा काम कर देती, एक्सेल लेफ्ट, और एक रह गया हमारा एक्सेल सेंटर। तो तीनों प्रॉपर्टी हमारी काम कर जाएंगे, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल के बारे में। अब हम करते हैं वर्टिकल, तो मैं लिखूंगा वर्टिकल अलाइनमेंट, यहां पर आपको लिखना है एक्सेल टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट, यहां पर आप लिखेंगे एक्सेल बॉटम नीचे लाने के लिए, फिर से मैंने लिखा वर्टिकल अलाइनमेंट, और सेंटर में लाने के लिए आपको लिखना है
एक्सेल सेंटर। अब इस पर काम करते हैं, देखिए कैसे काम करेगा वर्टिकल अलाइनमेंट। यहाँ सामने देखते रहिएगा आपका डाटा काम करेगा। तो हम जाते हैं स्टेप इनटू पे, ये इस डाटा को सिलेक्ट करेगा ए टू रेंज को और राइट साइड मूव कर देगा। देखिए राइट चला गया, अब ये लेफ्ट में आया, अब ये सेंटर में आ गया। अभी देखिए टॉप तो है ही पहले से, तो कोई दिक्कत अभी आपको कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। टॉप तो था ही, बॉटम होता हुआ आपको जरूर दिखेगा और सेंटर में आता हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरीके से अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। अब एक बार कंफर्म करें दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। कौन सी हॉरिजॉन्टल में मिड नहीं होता, सेंटर होता है। वर्टिकल के अंदर मिड आता है। जैसे कि ये सेल है मेरे पास, ये सेल है, अब इसकी नाइन पोजीशन करो आप। ये सेल है, ये मैं लेफ्ट साइड आ गया, इसकी नाइन पोजीशन मुझे करो आप। हाउ टू डू? ये सेल में डाटा है सर, एक मिनट सर, एक मिनट। अभी मैं इस सेल में और यहां पे नाम लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, अब इसमें नाइन प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करिए। हाउ टू डू? यहां पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं? प्लीज एलोबरेट द क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन एंड हाउ टू एलोबरेट। हेलो, आर यू देयर? अरे तेरा, हेलो, हेलो, आर यू देयर? हेलो, हाँ सर, ये रही एक्सेल की शीट, इसमें वो नाइन प्रॉपर्टीज अप्लाई करें। ये एक्सेल की शीट है, हाँ बताइए। ठीक है, ये चार हो गई, चलो चार हो गई। आगे लेफ्ट राइट, देखिए एक चीज ऐसे नो प्रॉपर्टी बताइए कौन कौन सी है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, ये नो की नो पोजीशन जो आपने बताई है, अगर मैं नो की नो पोजीशन इन छह प्रॉपर्टी से ले आया तो क्या होगा बताइए? अगर मैं इन छह प्रॉपर्टी से वो नो की नो पोजीशन ले आया तो क्या करोगे आप? कोर्स छोड़ दोगे अभी? इन छह प्रॉपर्टी से वो नो की नो पोजीशन आ जाएंगे, बोलिए। आपको देखना है इसका लाइव डेमो, इन छह प्रॉपर्टी से आपके नो की नो पोजीशन में ला सकता हूं। आपको देखना है वो डेमो कैसे करना है, एक दिखा दीजिए। आप पोजीशन बताइए, आप पोजीशन बताइए कौन सी चाहते हो, आप पोजीशन बताइए, मैं इन्हीं प्रॉपर्टी से लाके दे दूंगा, पोजीशन बताइए। एक मिनट, डाटा खोल लूं यहां पर, ठीक है, ये डाटा मैं यहां खोल देता हूं। आप इसको कहां चाहते हो, मिड लेफ्ट चाहते हो ना? मिड लेफ्ट मतलब ऐसा चाहते हो आप इसको, ऐसा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा लाके दिखाता हूं, अभी बाय डिफॉल्ट में इसको ऐसा कर दूं, अब मैं इसको मिड लेफ्ट कर दूं आपके लिए कोडिंग में। अगर ये मिड लेफ्ट इन्हीं से हो गया तो फिर आप क्या करोगे ये बताओ मुझे, अगर हो गया तो क्या करोगे? आफ्टर दैट नो आर्ग्यूमेंट, आफ्टर दैट आई डोंट वॉन्ट एनी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। डोंट डू एनी आर्ग्यूमेंट इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर कंप्लीट आइडिया अबाउट दैट, करूं या ना करूं बताइए। फिर आगे से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए,
आर्गुमेंट तभी करो जो कंप्लीट आइडिया हो आपके पास। ये देखिए, ये जो छह प्रॉपर्टी है ना सर, ये जो छह प्रॉपर्टी है, ये छह की छह प्रॉपर्टी से वो सब आ जाएगा जो नौ चीज आप चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक पूरा आइडिया ना हो तो नो आर्गुमेंट, पूरा आइडिया लेना होगा आपको। ठीक है, मैं आपको करके दे रहा हूँ वो प्रॉपर्टी कैसे यूज होंगे, देख लीजिए। आपको चाहिए लेफ्ट साइड, ठीक है, ओरिजिनल एलिमेंट लेफ्ट हो गया आपका, और आपको ये चाहिए मिड में, डन। अब ये सीट आप सिलेक्ट कर लीजिए डाटा को, ये आपका जो ओरिजिनल एलिमेंट है वो लेफ्ट रहेगा और जो वर्टिकल एलिमेंट है वो आपका मिड में आ जाएगा। आ गया, और कोई नो भी पोजीशन बताओ आप, मैं करके दिखाऊंगा। बोलिए, आप तो टाइम वैसे भी हो गया है, अपनी इच्छा पूरी करें, बताइए कौन सी पोजीशन चाहिए आपको। बिल्कुल, ये छह प्रॉपर्टी जो कराई गई है इनका इस्तेमाल वही होता है, आप इससे जो नो पोजीशन थे वो कर सकते हैं। अब नो पोजीशन के लिए नो प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्रॉपर्टी यही होती है, आप इसके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तीन जगह पर सेट कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट तीन जगह पर सेट कर सकते हैं, होगा इसी से ही। अगर कल का आपको माइंड करता है कि यार ये चीज नेम वाली मुझे यहां चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। इसको आप हटाइए, इसको राइट कर दीजिए और इसको बॉटम कर दीजिए, दैट सिंपल। ये हो गया आंसर, ये देखिए जहां पर हमें चाहिए वो डाटा वहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स अ पॉइंट, वो इन्हीं से हो जाता है। इससे क्या होता है, जो दूसरे क्लास ले रहे होते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अच्छा शायद नो होती होंगी, सर ने तीन छुपा दी, फिर उसे हमें एलोबरेट करना पड़ता है अपने आप को राइट करने के लिए कि यार ऐसा नहीं है, किसी के माइंड में आइडिया गलत गया है तो उसको क्लियर करें। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट हो तो प्रॉपर आइडिया लेकर हो, आपको प्रॉपर उसके बारे में पूरा नॉलेज है, देन यू कैन गो, जा सकते हो आप उससे, लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, अदरवाइज उसको एलोबरेट करें, उसको समझें। अब जैसे ये आपके पास आया, अगर आप इस पे काम करना चाहते थे पहले, इसको करके देखते आप, आपको लगता ठीक है कि नहीं है, तभी हमें असेंबली में हाथ उठाना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग द सेशन इन द असेंबली, देर आर लॉट्स ऑफ मेंबर्स आर अवेलेबल, और वहां पर आप कोई क्वेश्चन मारते हो तो क्वेश्चन सभी के लिए है, फिर वो आपके अकेले के लिए नहीं, वो सभी के लिए है। अगर ये सेशन छह जगहों की जगह 60 लोग ले रहे होते तो देर आर 59 पीपल्स आर देयर दैट विल थिंक अबाउट दैट, देर आर 9 प्रॉपर्टीज। अब उनके मन के अंदर जो डाउट गया होगा उसको दूर कैसे करें, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वट इज द क्वेश्चन, कि क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा ऐसे। तो कभी भी किसी भी कैंडिडेट के माइंड में ऐसा सवाल आता है तो पहले थोड़ा सोचें कि यार मैं जाऊं क्या, भिड़ू क्या, लाइक आर्ग्यूमेंट करूं क्या कि सर नहीं ये गलत है, आप तो नो होती है, आप छह क्यों बता रहे हो। पहले थोड़ा सोचें कि यार ये मैं अगेंस्ट जा रहा हूं, अगेंस्ट जा रहा हूं तो प्रॉपर नॉलेज लेकर जाए अगेंस्ट, तो ठीक रहेगा। दैट्स अ पॉइंट, मेरा सभी से ये आर्ग्यूमेंट है और कुछ नहीं है। डाउट हो सकता था आपका कि सर मेरे को ना ये मिड में करना होगा तो सर सर इससे आ जाएगा, वो तो एक्यूरेट था, वो मैं मान सकता हूं आपका, लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसा आया मेरे पास कि सर ये तो 9 प्रॉपर्टीज होती हैं, बट यू आर टेलिंग मी द 6 प्रॉपर्टीज, तो इट इज जस्ट अगेंस्ट टू द टीचर। तो एक 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 टाइटल होता है, लाइक हाउ टू आर्ग्यूमेंट, हाउ टू पुट द क्वेश्चन, तो एक जनरल वे है। इससे क्या होता है, समझो आप बात को, बाकी पांच लोगों के मन में दूसरा डाउट चला जाता है। सो दैट्स अ पॉइंट, और कोई इश्यू नहीं है। चलिए आज का सेशन मैं एंड करता हूँ, ये शीट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगी। अच्छा एक बात बताइए, कल मेरा ऑफ है, कल कोई टाइम निकाल के ले सकते हैं क्लास, या परसों, मेरा तीन दिन ऑफ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो कल का छोड़ते हैं, चलो कल का एक दिन रेस्ट देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप इसका प्रैक्टिस करना, आज इसका प्रैक्टिस करना खूब, पहला और दूसरे यूनिट का प्रैक्टिस करना। अब मैं आप लोगों को जो दूसरा टाइम दे रहा हूं वो